हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। साल 2018 में इकोनॉमिक्स के अंदर ऑटोमेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है, तो आज हम ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है और इंडिया में इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। सो स्टार्ट विद ऑटोमेशन इन इंडिया। सबसे पहले आप एक डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी बात ऑटोमेशन की आती है तो हम सोचते हैं कि रोबोट होगा, और जब हम रोबोट के बारे में सोचते हैं तो हमें एक टिपिकल कन्वेंशनल इस तरीके का रोबोट सामने दिखाई देता है जो एक ह्यूमन फेस में होता है, जो ह्यूमन वर्क्स को कंडक्ट करता है। बट रोबोट्स जो हैं वो सिर्फ यही नहीं होते, रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे कामों को करते हैं। तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि रोबोट का मतलब सिर्फ ये ही रोबोट नहीं होता है जो ह्यूमेन फॉर्म में होता है। रोबोट मतलब किसी भी काम को अगर हम विदाउट ह्यूमन हेल्प से ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं तो उस भी मशीन को हम रोबोट ही कहते हैं। सबसे पहले देखिए ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो भी काम ह्यूमन कर सकता है उसको आप मिनिमल डायरेक्ट ह्यूमन ऑपरेशन के थ्रू, मतलब ऐसी चीज़ों के थ्रू कि ह्यूमन का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे, और अप्लायंसेस के थ्रू कंडक्ट करते हो तो वो अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रोबोट्स है, कंट्रोल सिस्टम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब प्रोसेसेस को हम ऑटोमेशन कह देते हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस करने का काम हुआ, या फिर कोई भी पर्टिकुलर काम ऐसा हुआ जिसमें कोई आउटपुट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन भी एक ऑटोमेशन का प्रोडक्ट है जिसमें हम क्लोथ्स वॉश करने की जो प्रोसेस है उसको ह्यूमन के द्वारा नहीं करके ऑटोमेटिकली कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम इंडस्ट्रियल टर्म में इन चीज़ों को देखते हैं तो विद इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट हैज लेड टू इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी एज फ्यू वर्कर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए कम वर्कर्स की ज़रूरत लगती है और सेम नंबर ऑफ चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि एक दिन के अंदर अगर एक डिश पिक करने वाला कोई वर्कर है तो वो एक घंटे का अगर हम एवरेज लेते हैं एक दिन का, तो एक घंटे में 100 के आसपास वो डिशेस जो है वो पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोबोट यूज़ करोगे उसकी जगह पर डिश को पिक करने के लिए, तो आप मान के चलिए कि रोबोट जो है वो 500-600, मतलब 5 to 6 टाइम्स मोर डिशेस जो है एक घंटे में पिक कर लेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड फॉर्म में मिलती है, तो नेचुरली है कि इससे आपको बिजनेस में फ़ायदा होता है। तो इंडस्ट्रियल टर्म्स में अगर हम देखें तो ऑटोमेशन जो है वो बहुत अच्छा है। इस प्रोसेस के अंदर इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है उसके सारे चीज़ों का इंटीग्रेशन पाया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग करना, मटेरियल को हैंडल करना, पैकिंग करना, डिस्पेंस करना, कटिंग करना, ये सारे काम जो कि इंडस्ट्री में मोनोटोनस फॉर्म में किए जाते हैं उन कामों को अगर ऑटोमेशन के थ्रू किया जाए तो ओवरऑल इंडस्ट्री की जो इफिशियंसी है और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ अगर हम ऑटोमेशन को स्टडी करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, कि सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि ह्यूमन जो है उससे एरर भी होगी और ह्यूमन कभी भी एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी सैंपल को क्रिएट करते हैं तो ह्यूमन अगर सैंपल्स क्रिएट करेगा तो ह्यूमन जो है वो यूनिफॉर्म सैंपल क्रिएट नहीं कर सकता है, जबकि रोबोट जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्क करता है, रूल बेस्ड वर्क करता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जिन भी प्रोडक्ट्स में हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है वहाँ पर हम ऑटोमेशन का जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और ह्यूमन जो है उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे वीकेंड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट नहीं होती हैं, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन। फिर इंजुरीज से बहुत कम होती है, जैसे कि मैन जो वर्कर होते हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इन सेफ्टी पार्ट जितने भी एंगल्स होते हैं उनके प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है अगर आप रोबोट्स का यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। तो
तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं कई बार, कई बार बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स मेंटेन किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि जहाँ पर भी कूलिंग इंडस्ट्रीज़ होती है मिल्क की और दूसरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो फूड बेवरेजेस वगैरह होते हैं उनकी कूलिंग की जाती है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स मेंटेन करना पड़ता है काम करने के लिए, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में ह्यूमन का वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो प्रोन टू इंजुरी होता है। वो सारी चीज़ें रोबोट्स में जो है वो आपकी डिस्कार्ड हो जाती है। कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होती है, सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है नेचुरली। अगर प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ेगी तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। गुड्स यूनिफॉर्म होंगे, आपकी पैकिंग जो है वो प्रोफेशनल होगी, तो ओवरऑल बिजनेस को जो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर लेबर क्राइसिस जो कई बार इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है, लेबर्स की साइड से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है और वर्कर्स जो हैं उनकी जो स्ट्रगल होती है फैक्ट्रीज के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि लेबर मिलते नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो जो लेबर फाइंड करने वाला जो एक क्राइसिस है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो लेबर डिपेंडेंसी जो है इंडस्ट्री की वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। फिर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है नेचुरली, जो ह्यूमन है वो 24/7 तो काम नहीं कर सकता है, तो वो 8 घंटे या 9 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, तो ह्यूमन रिसोर्स के प्रति जो वेलफेयर के एंगल आपको लेके चलने पड़ते हैं वो आपको रोबोट के प्रति लेके नेचुरली नहीं चलने पड़ते। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि रोबोट जो है उसने इतने आवर्स काम किया, तो 24/7 अनमैन सिस्टम अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो उससे आपकी जो है बहुत ज़्यादा इफिशेंसी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन एक सिंपल ऑटोमेशन मशीन है जो लोगों को कैश देती है, और जब बैंक बंद होते हैं उस सारी जगह पर, जैसे संडे के दिन आपका बैंक क्लोज रहता है, बैंक के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं, लेकिन आप उस समय एटीएम से कैश निकाल सकते हो, तो ऑब्वियसली इससे आपको जो है बेनिफिट रहता है क्योंकि आपका जो है वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का इंक्रीज हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन जब होगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी और इस तरीके की हम कह सकते हैं कि भ्रांतियां होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जब भी रोबोट्स आते हैं मार्केट में और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का ऑटोमेशन किया जाता है तो कुछ नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। जैसे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो नए तरीके से निकल के आती हैं, तो जो जॉब्स करने के तरीके हैं वो बदल जाते हैं, स्किल्स बदल जाती हैं, लेकिन जॉब जो है वो तो मार्केट में हमेशा रहने वाले हैं, मतलब रोल्स चेंज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन लेबर जो है उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी ऑटोमेशन से लेकर कोई बात आती है तो जो हमारे एनजीओज हैं और एक्टिविस्ट लोग हैं और मीडिया है तो इस बारे में बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू करते हैं कि देर विल बी जॉब लॉस। यस, डेफिनेटली देर विल बी जॉब लॉस, लेकिन जॉब क्रिएशन दूसरे क्षेत्रों में स्टार्ट होता है, तो उससे ओवरऑल आपकी सोसाइटी को एक नया डेवलपमेंट मिलता है। तो उन सारे एंगल्स को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ चीज़ें प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जैसे आप में इस फोटो में दिखाई दे रहा है, ये एक कार की फैक्ट्री है, तो जैसे असेंबली लाइन होती है इस तरीके की ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो असेंबली लाइन पे कार के अंदर पार्ट्स फिट करना है, उस कार के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो असेंबल करनी है, तो ये सारे काम जो मोनोटोनस होते हैं ह्यूमन वर्कर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से रोबोट लगाकर, रोबोटिक हैंड्स लगाकर कंडक्ट किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। नाउ विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जो नॉन रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं, जिनके अंदर इनोवेशन और क्रिएशन की जरूरत होती है, तो उन टास्क को करने के लिए आप रोबोट्स का यूज नहीं कर सकते। रोबोट्स को यूज करना कॉस्टली होता है, तो जो एमएसएमईज होती हैं हमारी, मिनी जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट कर पाए, क्योंकि वो रोबोट्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करते, तो उनकी इफिशियंसी जो है वहां पर इम्पैक्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मेंटेनेंस और ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है रोबोट्स के लिए। अगर छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाती है रोबोट्स को यूज़ करने में, तो ये आपकी इंडस्ट्री में और ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो जहाँ आप एम्प्लॉय की सेफ्टी की बात कर रहे थे, वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोबोट का मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ये सब करने में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रोबोट्स के साथ नहीं रहती है। जहाँ पर कोई चेंज आया या किसी क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट रही, तो वहाँ पर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू हम हमेशा फेस करते हैं व्हेन द रोबोट्स आर कंसर्न्ड।
देखिए ऑटोमेशन के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जहाँ से शुरुआत होती है, जिसको हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी, जब स्टीम इंजन जो है उसका इन्वेंशन हुआ था, तो स्टीम इंजन के बाद मैकेनिकल प्रोडक्शन जो है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर आई आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है, इसमें मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन पे फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद 20th सेंचुरी के अंदर ICTs जो है, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका डेवलपमेंट हुआ, तो इनकी वजह से नेटवर्क प्रोडक्शन, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, इनमें काफ़ी सारा इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद आज हम जिस फेज में रह रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 है, इसमें एडवांस रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर मशीनें आपस में बात करने की कैपेसिटी रखती है, इस तरीके की चीजें आपको आज देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और डेटा का यूज़ करके इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिला है। इंटेलिजेंसी बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, प्रोडक्शन जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका संबंध ऑटोमेशन से हमेशा रहा है। तो ये जो सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फेजेज हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन ने अपना रोल जो है वो प्ले किया है, बस उसकी डिग्री जो है वो घटती बढ़ती रहती है समय के साथ। अब हम इंडिया में ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हाल ही में एक सर्वे हुआ था, ग्लोबल फ्यूचर ऑफ वर्क, विच वॉज डन बाय विलिस टावर्स वॉटसन, और ये एक ग्लोबल एडवाइजरी एंड सोल्यूशन कंपनी है। इन्होंने ये इको किया है, मतलब ये बताया है कि देर आर इंक्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन इन इंडिया। तो इस सर्वे में जो ये कंपनी है WLTW, इनका ऐसा कहना है कि वर्क प्लेस ऑटोमेशन इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, मतलब तीन चीजें हैं, एक जिसे हम कहते हैं वर्क प्लेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर मशीनें जो हैं उनको ह्यूमन की इंटेलिजेंस दे दी जाती है, और रोबोटिक्स जहां पर ह्यूमन वर्क जो है वो मिनिमम इंटरफेरेंस के द्वारा करवाए जाते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन इंडिया इन द कमिंग 3 ईयर्स, मतलब 2018-19-20, ये जो आने वाले 3 साल हैं इसमें ये ऑटोमेशन जो है इंडिया के अंदर वो डबल हो जाएगा। आज 14% ऑटोमेशन है इंडियन इंडस्ट्रीज में, ये बढ़कर के 3 साल में 27% हो जाएगा, जो कि ग्लोबल और एशिया पैसिफिक एवरेज से भी ज्यादा है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि इन 3 सालों में एशिया पैसिफिक का जो एवरेज है वो भी ऑलमोस्ट डबल होगा, मतलब लेस देन थोड़ा डबल होगा, तो 13% से बढ़कर 23% होगा, लेकिन इंडिया का जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसीलिए ये टॉपिक करंट अफेयर्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। द स्टडी नोटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द कंपनीज बिलीव दैट ऑटोमेशन विल ऑगमेंट ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड क्रिएट न्यू वर्क एंड नॉट रिप्लेस इट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जॉबलेसनेस वहां पर क्रिएट नहीं होती है। अगर कोई जॉबलेसनेस क्रिएट भी होती है तो दे विल बी कंज्यूम्ड इन द न्यू काइंड ऑफ वर्क। तो स्किल्ड परफॉर्मेंसेज होंगे और न्यू टाइप ऑफ वर्क क्रिएट होगा, बट वहां पर कोई हम अनएम्प्लॉयमेंट के एंगल जो है वो बहुत ज्यादा बनते नहीं है। ऑटोमेशन एंड द रिजल्टिंग शिफ्ट इन द वर्क अरेंजमेंट विल क्रिएट न्यू चैलेंजेस, और HR प्रोग्राम्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, उनको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, वहां पर इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा। ये भी एक चीज मानी गई है कि मोर देन हाफ ऑफ द, मतलब 50% से ज्यादा जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, दे वॉन्ट दिस चेंज टू हैपन ताकि उनकी इंडस्ट्रीज की इफिशियंसी बढ़े, बट दे आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज दिस चेंज। 1/3 लोग ही ऐसे हैं जो इस चेंज को रिकोगनाइज कर पा रहे हैं, मतलब उनको जो HR प्रिपेयरनेस चाहिए, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है, उसको वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिर्फ सर्विस सेक्टर ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है वो भी ऑटोमेशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, IT, फाइनेंशियल, अलग अलग सेक्टर्स में ऑटोमेशन अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है। न्यू स्किल, न्यू वर्कर्स और नए तरीके के काम की डिमांड जो है वो अभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर और बढ़ने वाली है। एक वर्ल्ड बैंक ने भी अपना रिसर्च प्रोड्यूस किया था, उनके हिसाब से दे हैव प्रेडिक्टेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ जॉब्स थ्रेटन्ड बाय दी ऑटोमेशन इन इंडिया 69% ईयर ऑन ईयर। मतलब अभी आने वाले 5 सालों में, इनका ऐसा कहना है कि 2015 से लगाकर 2020 तक इन 5 सालों में 69% जो है वो हमारे जॉब्स हर साल के एवरेज पे उनको थ्रेट रहेगी
बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन. ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इन्होंने ऐसा कहा है कि चाइना के अंदर ये थ्रेट जो है वो 77% तक जाएगी और भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इससे ज्यादा भी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा. अभी तो हम ये कह रहे थे कि जॉबलेसनेस नहीं रहेगी, तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो अपने अपने अलग अलग प्रेडिक्शंस बताती हैं, तो हमें अपने व्यू पॉइंट्स इन रिपोर्ट्स के आधार पर क्रिएट करने हैं. जैसे कि विलिस टावर वॉटसन ने कहा कि जॉबलेसनेस क्रिएट नहीं होगी मार्केट में, यहां पर नए जॉब्स क्रिएट होंगे, क्रिएटिविटी क्रिएट होगी, नई स्किल्स की आपको आवश्यकता होगी, तो आपको एचआर प्रिपेयरनेस रखनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कीजिए और उन नई स्किल्स की तरफ शिफ्ट कीजिए. तो इस तरीके की चीजें निकल के आई इन कंपनीज के द्वारा और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि यहां पर जॉब लॉस होंगे. तो ये दोनों एंगल हमारे हाथ में होने चाहिए जब हम मेंस के पॉइंट्स को कोट करेंगे, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करेंगे. Some will lose job, but more jobs will be created for well-skilled personnel and all the stakeholders have a role to play. They have to be prepared for this. Jitne bhi stakeholder hai, government, companies, educational institution, workers, everybody has to be prepared. Government ko naye jobs create karne padenge, educational institution ko apni employability badhani padegi. To ye sare stakeholders jo hai is automation ki process mein involve rahenge. World Bank ki jo ye report hai 2016 ki, iske andar inhone ek cheez kahi hai ki there will be a ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स हॉलोइंग आउट ऑफ द लेबर फोर्सेस. नाउ हॉलोइंग आउट का क्या मतलब होता है? हॉलो होने का मतलब होता है किसी चीज का खोखला हो जाना, मतलब बीच में से चीजों का गायब हो जाना, उसे हम हॉलो कहते हैं, हॉलोइंग आउट कहते हैं. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रीमलाइन करती है रूटीन टास्क को, तो जो मिडिल स्किल जॉब्स हैं, मतलब जो मिडिल लेयर के जॉब्स होते हैं, क्लरिकल वर्कर्स जो होते हैं, जो कि मोनोटोनस रूटीन वर्क करते हैं, उनकी जॉब जाने का यहां पर खतरा रहता है. लेकिन जो हाई स्किल वर्कर्स हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आर्किटेक्ट्स हैं, आर्किटेक्ट्स बहुत हाई स्किल जॉब है, तो आर्किटेक्ट्स की जॉब कोई नहीं छीन सकता क्योंकि दुनिया का कोई भी रोबोट आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकता. फिर लो स्किल जॉब्स है, लो स्किल जॉब्स जैसे हो गई रेस्टोरेंट का स्टाफ है, जो आपको मेनू लेने के लिए आपके पास जो रेस्टोरेंट के अंदर जो वर्कर आता है उसका जॉब कोई नहीं छीन सकता बिकॉज दैट वर्क कैन नॉट बी डन बाय रोबोट. आपको वहां पर ह्यूमन टच और इमोशनल एंगल देने ही पड़ेंगे. हेयर ड्रेसर्स हैं, तो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से, आपके इमोशंस को भी ध्यान में रखते हुए आपकी हेयर ड्रेसिंग करना, ये सारा काम एक ह्यूमन ही कर सकता है. तो लो स्किल और हाई स्किल, ये दो तरीके की जॉब्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता. लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि ये जो लैडर है ये कहां पर गिरती है, तो मिडिल स्किल के जॉब्स पर गिरती है जो कि रूटीन वर्क, रूल बेस्ड वर्क को कंडक्ट करते हैं, तो इट्स अ थ्रेट फॉर देम. और डेवलपिंग सोसाइटीज लाइक इंडिया, मिडिल क्लास हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो अगर मिडिल क्लास को धक्का लगता है तो वो एक बहुत बड़ी चिंता हमारे लिए हो सकती है. एक और एंगल यहां पर है कि जो पावर्टी है उसको खत्म करने में ये मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है. मिडिल स्किल जॉब्स ने पावर्टी को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है. तो जब पोलराइजेशन क्रिएट होगा लेबर मार्केट के अंदर, तो ये पोलराइजेशन ओवरऑल सोसाइटी को, इनकम लेवल्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. तो ये एक बहुत अच्छा एंगल है जो हमारे ध्यान में होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. तो एक और यहाँ पर रिपोर्ट आती है, टेक साई रिसर्च रिपोर्ट है, इंडिया फैक्ट्री ऑटोमेशन मार्केट फोरकास्ट एंड अपॉर्चुनिटीज 2020. इनका कहना है कि फैक्ट्री ऑटोमेशन जो है उसकी वजह से इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रजिस्टर ग्रोथ ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 12% ड्यूरिंग 2015 टू 2020. तो ये जो 5 साल आएंगे इनमें हमारी एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, और 12% के एवरेज से बढ़ेगी. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके की भी रिपोर्ट्स हैं जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो ये सारे एंगल्स आपके हाथ में होने चाहिए. और एक चीज और है कि जैसे कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर को रिप्लेस किया था, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, कि जब कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया था उस समय $1 billion इंडस्ट्री क्रिएट हुई थी. तो ऑटोमेशन जो है वो भी इस तरीके से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 350 billion से भी ज्यादा डॉलर की इंडस्ट्री क्रिएट करेगा इंडियन मार्केट के अंदर. ये एक रेस है जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स के बीच में चलने वाली है. लेकिन अगर हम इंडिया को देखें, अपनी हेरिटेज के अंदर जाएं, अपने पास्ट में जाएं, तो देखिए इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर भी जो एजुकेटेड ब्राह्मण्स हैं, मतलब जो स्किल है, एजुकेटेड ब्राह्मण्स को हम स्किल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्षत्रिय वॉरियर्स से ज्यादा रही है जिनके पास टेक्नोलॉजी है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमेशा वेस्ट से ज्यादा रही है. एजुकेटेड जो गुरुज होते हैं हमारे, उनकी इंपॉर्टेंस राजाओं से ज्यादा
थी, आपने पुरानी मूवीज में महाभारत में इनमें देखा होगा कि जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके चरणों में राजा झुकते हैं, मतलब नॉलेज जो है वो हमारे यहाँ माइट ऑफ द स्टेट से ऊपर रखा जाता है। दैट मीन्स ये एक वैल्यू है जो हमारी कल्चर के अंदर एनश्राइंड है कि हम एजुकेशन और स्किल को इंपॉर्टेंस देते हैं टेक्नोलॉजी से, तो नेचुरली इंडियन मार्केट इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। सो इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट ओवरऑल इंडिया के अंदर एक विन विन सिचुएशन हमेशा क्रिएट होके रहेगी। आज नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल जो है वो कम हो गए हैं, एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, तो नेचुरली अनस्किल्ड लेबर भी कम होते जाएंगे। तो हमारे पास जो अनस्किल्ड लेबर है अगर उनकी कमी होगी तो ये भी बात है कि हमें रोबोट्स की आवश्यकता तो रहेगी। तो आने वाले 3-4 सालों में ऑटोमेशन ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। कंपनीज को, एचआर को, इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, इंडक्शन के लिए। गवर्नमेंट को भी अडेप्ट रहना पड़ेगा, जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जो सेमी स्किल्ड लेबर्स हैं इनको कंज्यूम किया जा सके। तो जितने भी सोशियो इकोनॉमिक एंगल से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को अकाउंट किया जाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और अगर हम आज एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखें तो नेचुरली इंडिया में इतना ज़्यादा एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है कि स्किल्ड जॉब्स को बहुत ज़्यादा वो कर सके, मीट कर सके। हमारे यहाँ बॉडी शॉपिंग ज़्यादा होती है टैलेंट की, तो इस चीज़ों को हमें कम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी, आपके रीजनल कॉलेजेस, एनआईटीज, देन आपके दूसरे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसके अलावा हमारे मेडिसिन के क्षेत्र में हम जाते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस, एवरीबडी हैज टू बी इक्वली अडेप्ट टूवर्ड्स दी न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी चेंज। तो हमको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर इस तरह की एम्प्लॉयबिलिटीज जो है वो इनकलकेट करनी पड़ेगी। सो सच स्टेप्स टूवर्ड ऑटोमेशन इज गोइंग टू बी ओवरऑल प्रोग्रेसिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। इस तरीके का कंक्लूजन हम इस तरीके के ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में रखेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन, और उससे रिलेटेड आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए जो आपको मेंस में काम आएंगे, और कुछ डेटा भी दिखाए दिए जो आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड हैविंग एन आई ऑन द लेक्चर्स। थैंक्स अ लॉट अगेन।